दोस्तों, इस गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि उत्पाद के साथ काम शुरू कैसे करें और एसपिलेट टोकन रखने के लिए पहला इनाम कैसे प्राप्त करें। स्टेप वन, एक स्मार्ट वॉलेट बनाना शुरू करने से पहले आपको स्मार्ट वॉलेट में एक वॉलेट बनाना होगा। ऐप स्टोर से स्मार्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड करें। यदि आपका स्मार्टफोन iOS पर चलता है या यदि आप एंड्रॉइड का उपयोग करते हैं तो गूगल प्ले से डाउनलोड करें। एप्लीकेशन खोलें और बॉक्स को चेक करके उपयोग की शर्तों के साथ अपनी सहमति की पुष्टि करें। इसके बाद क्रिएट वॉलेट बटन पर क्लिक करें और बस, आपका वॉलेट बन चुका है। आपको बस वॉलेट तक पहुंच बनाने के लिए अपने मनेमोनिक सेव करने की जरूरत है। इसके लिए होम स्क्रीन पर बैकअप नीडेड मैसेज पर क्लिक करें। एक स्क्रीन खुलेगी जहां आपको 12 शब्द दिखाई देंगे। इनको पढ़ने के लिए प्रेस एंड होल्ड टू सी फ्रेज बटन पर क्लिक करें। कृपया इस स्तर पर सावधानी बरतें, यह फ्रेज आपके धन की सुरक्षा की चाबी है। हम इसे कागज के एक टुकड़े पर लिखने की सलाह देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मनेमोनिक फ्रेज को सेव न करें और इसे दूसरों के साथ साझा न करें। एप्लीकेशन के साथ काम करना जारी रखने के लिए आपको शब्दों को सही क्रम में लिखकर अपने मनेमोनिक फ्रेज की पुष्टि करनी होगी। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया है तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपने सब कुछ सही तरीके से किया है। स्टेप टू, वॉलेट एक्टिवेट करना। वॉलेट का उपयोग करके टोकन के साथ लेन देन करने के लिए वॉलेट को एक्टिव करना होगा। वॉलेट को एक्टिव करने के लिए बस एक स्मार्ट को इसमें ट्रांसफर करें। आप निम्नलिखित तरीकों से स्मार्ट प्राप्त कर सकते हैं। किसी को उन्हें आपको भेजने के लिए कहें, स्वैपिंग द्वारा प्राप्त करें, क्रिस्टो एक्सचेंज पर खरीदें और वॉलेट में भेजें। स्टेप थ्री, वॉलेट के बैलेंस में पैसा डालना। वॉलेट को बनाने के बाद इसे अल्टीमा टोकन से भरना होगा। यह भविष्य में उत्पादों के भुगतान के लिए आवश्यक है। आपको एक एक्सचेंज अकाउंट की आवश्यकता होगी। हमारे YouTube चैनल पर आपको CoinsBit एक्सचेंज के साथ काम करने के बारे में विस्तृत निर्देश मिलेंगे, जहां आप लाभप्रद और सुरक्षित रूप से टोकन खरीद सकते हैं। निर्देशों के लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण में उपस्थित हैं। इसके बाद खरीदे गए अल्टीमा टोकन को अपने स्मार्ट वॉलेट में ट्रांसफर करें। इसके लिए स्मार्ट वॉलेट ऐप खोलें और अल्टीमा कार्ड पर क्लिक करें। आपको अपने वॉलेट का एड्रेस दिखाई देगा, जिसे कॉपी बटन पर क्लिक करके कॉपी किया जा सकता है। CoinsBit एक्सचेंज पर लॉग इन करें। मेन्यू में वॉलेट बैलेंस चुनें। खुलने वाली विंडो में विथड्रॉ का चयन करें। सर्च बार में अल्टीमा टोकन का नाम दर्ज करें। अब दाईं ओर कॉपी किए गए वॉलेट एड्रेस और अल्टीमा की उस मात्रा को दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं। टोकन भेजने की पुष्टि करें। उसके बाद एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल एड्रेस पर एक कंफर्मेशन कोड भेजा जाएगा। कोड का उपयोग करके टोकन भेजने की पुष्टि करें और एक्सचेंज द्वारा लेन देन के पूरा होने की प्रतीक्षा करें। जैसे ही लेन देन पूरा होता है, आपको अपने वॉलेट में टोकन प्राप्त होंगे। कृपया ध्यान दें, वॉलेट से अल्टीमा के साथ लेन देन करने के लिए आपकी शेष राशि में स्मार्ट कॉइन्स होने चाहिए। स्टेप फोर, DeFiU वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना, स्प्लिट लाइसेंस खरीदना और एक्टिवेट करना। आपको आमंत्रित करने वाले व्यक्ति से प्राप्त लिंक का उपयोग करके DeFiU वेबसाइट पर जाएं। ऊपरी दाईं विंडो में आपको साइन अप बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। स्मार्ट पास में रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगी। ये वह सिस्टम है जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है। सभी आवश्यक फाइल्ड भरें, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि, पहला नाम, उपनाम, जिस देश के आप निवासी हैं उसका नाम। सभी फाइल भरने के बाद आपको उपयोग की शर्तों से सहमत होना होगा। उन्हें ध्यान से पढ़ें और स्क्रीन के दाईं ओर संबंधित फील्ड के बगल में तीन चेकबॉक्स पर क्लिक करें। स्पॉन्सर के नाम पर ध्यान दें, यह उपयोग की शर्तों के ऊपर लिखा होगा। यदि यह उस व्यक्ति के नाम से मेल नहीं खाता है जिसने आपको आमंत्रित किया है, तो उससे अप टू डेट रेफरल लिंक मांगे। रजिस्ट्रेशन करते समय वैध ईमेल एड्रेस निर्दिष्ट करें जिस तक आपकी पहुंच है। हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि आप अपने पासवर्ड को कागज पर लिख लें और इसे सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि आप अपने अकाउंट तक पहुंच न खोएं। फॉर्म भरने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करें। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया है
तो आपको स्क्रीन पर सफल रजिस्ट्रेशन और अपने ईमेल की पुष्टि करने की आवश्यकता के बारे में एक मैसेज दिखाई देगा। अपने ईमेल की पुष्टि करने के लिए अपने मेलबॉक्स पर जाएं, जिसे आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किया था, और स्मार्ट टीम से एक ईमेल को खोलें। यदि आप अपने इनबॉक्स में ईमेल नहीं देखते हैं तो स्पैम फोल्डर की जांच करें। ईमेल में कंफर्म ईमेल बटन पर क्लिक करें। सब कुछ तैयार है। आपने स्मार्ट पास के साथ सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है। D5U पर जाएं और गो टू D5U बटन पर क्लिक करें, साइन इन बटन पर क्लिक करें और लॉग इन करें। स्क्रीन पर आपका डैशबोर्ड खुलेगा। आप किस पूल में जाना चाहते हैं, इसके आधार पर स्प्लिट या यूनिटी स्प्लिट सेक्शन चुनें। हमारे उदाहरण में हम VIP पूल के लिए एक लाइसेंस खरीदेंगे, इसलिए हम स्प्लिट लाइसेंस अनुभाग चुनते हैं। पेज को नीचे स्क्रॉल करके आपको स्प्लिट लाइसेंसेस अनुभाग में खरीद के लिए उपलब्ध लाइसेंसों की एक सूची दिखाई देगी। उस लाइसेंस का चयन करें जो आपको सूट करता है और परचेज खरीद बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको भुगतान विधि चुनने के लिए कहा जाएगा। अल्टिमा का चयन करें। बॉक्स को चेक करके शर्तों के साथ अपनी सहमति की पुष्टि करें और परचेज खरीद बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में अल्टिमा में राशि और उस वॉलेट का एड्रेस जिस पर आपको निर्दिष्ट राशि ट्रांसफर करने की आवश्यकता है दिखाया जाएगा। मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन करने के लिए एड्रेस QR कोड के रूप में भी उपलब्ध होगा। भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट वॉलेट में आवश्यक राशि भेजें। कृपया स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सटीक राशि भेजें। पेमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करें। अब लाइसेंस एक्टिव करना चाहिए। ऐसा करने के लिए माई लाइसेंसेस मेन्यू अनुभाग पर जाएं, खरीदे गए लाइसेंस को ढूंढें और एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। यदि आप एक्टिवेशन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो एक्टिवेशन हिस्ट्री टैब पर जाएं। यदि आप विन से लाइसेंस के लिए भुगतान करना चाहते हैं तो भुगतान विधि चुनने के दौरान इस टोकन का चयन करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि आप यूनिटी स्प्लिट लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो रेफरल लिंक के नीचे दाएं कोने में डैशबोर्ड में यूनिटी स्प्लिट सेक्शन चुनें। पेज को नीचे स्क्रॉल करें। आपको यूनिटी स्प्लिट लाइसेंसेस अनुभाग में खरीद के लिए उपलब्ध लाइसेंस की एक सूची दिखाई देगी। कृपया ध्यान दें कि यदि इस समय कोई प्रमोशन चल रहा है तो पहले टैब पर आपको इसके अंतर्गत दिए गए लाइसेंस दिखाई देंगे। प्रमोशन लाइसेंस की खरीद इस निर्देश में ऊपर दी गई प्रक्रिया के समान है। स्टेप 5, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना। स्प्लिट लाइसेंस खरीदने के बाद अगला कदम स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। उस विभाजन का चयन करें जिसकी आपको आवश्यकता है, स्प्लिट या यूनिटी स्प्लिट। डैशबोर्ड पेज को नीचे स्क्रॉल करके आपको खरीद के लिए उपलब्ध उत्पादों की एक सूची दिखाई देगी। स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट टैब पर क्लिक करें। उस कॉन्ट्रैक्ट का चयन करें जो आपको सूट करता है और परचेज खरीद बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको भुगतान विधि चुनने के लिए कहा जाएगा। अल्टिमा का चयन करें। बॉक्स को चेक करके शर्तों के साथ अपनी सहमति की पुष्टि करें और परचेज खरीद बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में अल्टिमा में राशि और उस वॉलेट का एड्रेस जिस पर आपको निर्दिष्ट राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता है दिखाया जाएगा। मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन करने के लिए एड्रेस QR कोड के रूप में भी उपलब्ध होगा। भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट वॉलेट में आवश्यक राशि भेजें। कृपया स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सटीक राशि भेजें। पेमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करें। तैयार। आपने एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बाद आप देखेंगे कि आपके डैशबोर्ड में स्प्लिट लाइसेंस यूसेज विजेट के आंकड़े बदल गए हैं। स्टेप 6, स्प्लिट टोकन का विथड्रावल। स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बाद ब्लॉकचेन स्प्लिट टोकन प्रिंट करेगा। स्प्लिटिंग शुरू करने के लिए आपको उन्हें अपने स्मार्ट वॉलेट में विथड्रॉ करना होगा। कृपया ध्यान दें कि टोकन विथड्रॉ करने लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। इसे स्थापित करने के निर्देश हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। लिंक वीडियो के नीचे विवरण में होगा। इस प्रकार स्प्लिट टोकन विथड्रॉ करने के लिए D5U वेबसाइट पर डैशबोर्ड खोलें। सबसे ऊपर बाईं ओर आपको पेआउट बटन के साथ उपलब्ध स्प्लिट बैलेंस दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपने स्प्लिट वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना होगा। एड्रेस स्मार्ट वॉलेट में कॉपी किया जा सकता है।
कॉपी किए गए एड्रेस को पेस्ट करें, विथड्रॉवल के लिए एस्प्लिट की संख्या निर्दिष्ट करें और ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दर्ज करना होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप खोलें और ऐप में मौजूद वर्तमान कोड को पेज के उपयुक्त फील्ड में दर्ज करें। यदि आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि टोकन विथड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। जल्द ही टोकन आपके द्वारा निर्दिष्ट वॉलेट पर पहुंच जाएंगे। एस्प्लिट टोकन के साथ काम करने के लिए वॉलेट को एक्टिव करना न भूलें। एक्टिव करने के लिए बस वन स्मार्ट को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें। पेआउट की हिस्ट्री आपको पेआउट्स हिस्ट्री अनुभाग में मिलेगी। स्टेप 7, अल्टिमा में पुरस्कार प्राप्त करना अब सबसे सुहावना काम बाकी है। स्प्लिट्स के लिए आजीवन पुरस्कार प्राप्त करना। स्प्लिट टोकन आपके स्मार्ट वॉलेट बैलेंस में जमा होने के 24 घंटे के बाद ही आपने पहले इनाम की रिक्वेस्ट कर पाएंगे। एस्प्लिट के साथ काम करने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन है, और यदि नहीं तो एप्लीकेशन को अपडेट करें। ऐसा करने के लिए ऐप स्टोर पर जाएं, सर्च बार में स्मार्ट वॉलेट दर्ज करें और अपडेट बटन पर क्लिक करें। सफल स्प्लिटिंग के लिए हम स्मार्ट कॉइन्स की पर्याप्त संख्या रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका एप्लीकेशन अपडेट हो गया है और बैलेंस में स्मार्ट कॉइन्स हैं, और इसके बाद अपना वॉलेट खोलें। एस्प्लिट पर क्लिक करें। आपके बैलेंस और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक स्क्रीन खुलेगी। स्प्लिटिंग में भाग लेने के लिए स्प्लिटिंग बटन पर क्लिक करें। यह आपके बैलेंस के ठीक नीचे स्थित है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्मार्ट कॉइन्स नहीं है तो आपको अपना बैलेंस टॉप अप करने के लिए कहा जाएगा। यदि बैलेंस में पर्याप्त कॉइन्स हैं तो स्प्लिटिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी के साथ एक विंडो खुलेगी। अब मावे स्प्लिट सेक्शन में जाएं। ध्यान दें, क्लेम रिवॉर्ड बटन पर तब तक क्लिक न करें जब तक कि प्रत्येक एस्प्लिट टोकन स्प्लिटिंग के लिए तैयार न हो जाए और ग्रीन न हो जाए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी टोकन तैयार हैं, स्क्रीन के ऊपरी बाएं भाग में तीर पर क्लिक करके स्प्लिटिंग अनुभाग पर वापस जाएं और ब्लॉकचेन से इनाम की रिक्वेस्ट करने के लिए क्लेम रिवॉर्ड बटन पर क्लिक करें। पुष्टिकरण के साथ एक स्क्रीन खुलेगी। स्मार्ट कमीशन से जुड़ी चेतावनी पर ध्यान दें, यह 100 स्मार्ट तक पहुंच सकती है। यदि आपकी शेष राशि पर स्मार्ट की संख्या कम है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक ऊर्जा की कमी के कारण ब्लॉकचेन द्वारा आपके इनाम की रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम मार्जिन के साथ स्मार्ट बैलेंस को फिर से भरने की सलाह देते हैं। इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आपके वॉलेट पर पर्याप्त स्मार्ट कॉइन्स हैं। बॉक्स पर क्लिक करके उत्पाद को उपयोग करने की शर्तों से साथ अपनी सहमति दें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। सब कुछ तैयार है। आपने सफलतापूर्वक इनाम के लिए रिक्वेस्ट की है। बस ओके बटन पर क्लिक करना बाकी है और अल्टिमा टोकन स्क्रीन खुल जाएगी। वहां आप अपना इनाम देख सकते हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।